नगर के वकील एपी सिंह पहुंचे हुए हैं रघुपुरा और हमारे साथ सीधे बातचीत के लिए। सबसे पहले आप बताइए, राखी बंधवाली? हाँ, राखी बंधवाली है, राखी बांधी है ये राखी। आज क्या भाई ने अपनी बहन को क्या वचन दिए? वचन दिए हैं, हमारे वचन है बहन को कि बहन के दुख, हमारे देश की परंपरा है, रीति रिवाज है, पद्धति है, संस्कृति है, कल्चर है कि बहन के दुख भाई के दुख हो जाते हैं और भाई के सुख बहन के सुख हो जाते हैं। ऐसी हमारी रीति रिवाज है और मैं बहन को पूरे हाथ से, दोनों हाथों से बधाई देता हूं, खुशी देता हूं, वचन देता हूं, पूरे वचन देता हूं कि मेरी बहन को जब भी कभी इस भाई की जरूरत पड़ेगी, किसी तरह से भी तन मन धन से अपनी बहन के साथ हूँ और उसकी संपन्नता और खुशी के लिए साथ हूँ। आज एपी सिंह आज भाई के रूप में आज पहुँचे हैं, क्या क्या लेकर पहुँचे? बस बहन के यहाँ भरे घर जाना, हाथ भर के जाना चाहिए, जिससे बहन का घर भरा रहे, उसके बच्चों में, उसके परिवार में खुशहाली रहे, इसलिए भरे हाथों से आए हैं और उसके साथ ये खुशी रहे, इस तरह से ऐसे होना चाहिए, यही हम चाहते हैं और यही बहन को हम आशीर्वाद देते हैं और यही बहन हमारी दुआएं देती है, बहन हमें याद करती है दुआओं में, इसलिए कि खुशियां रहे, स्वस्थ रहूं और ये सब करें। सीमा, आज पहली बार आप राखी बना रही हैं, राखी बांधी आपने भाई को किसी को? बिल्कुल, जिंदगी में पहली बार और पहली राखी मैंने इनको बांधी। इतनी खुशी है, एक भाई हिंदुस्तान में मिल गया आपको? बहुत खुशी हूँ मैं, हद से ज्यादा खुशी हूँ, और भाई भी डॉक्टर एपी सिंह सर जैसे मिले हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, हद से ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने इनको राखी भेज दी थी तो माताजी के कहने पे आज मेरे घर पे चल के आए, तो मेरी खुशी दुगनी हो गई। खुशी दुगनी हुई है, भाई से कुछ वचन लिए? हाँ, मैंने एक ही वचन लिया है कि मेरे इनका हाथ मेरे सर पे बना रहे और ये हमेशा खुश रहे, सलामत रहे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी हमेशा इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, लंबी उम्र। नागरिकता पर क्या बोलेंगे, भाई से कुछ उस पर भी वचन लिया? मेरे भाई बहुत बड़े वकील हैं तो मुझे इन पर विश्वास है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मोहब्बत ही मेरा मकसद था, प्यार ही सचिन का मेरा मकसद था, तो मुझे विश्वास है, बाकी फैसला कानून करेगा और मुझे अपने भैया पे पूरा विश्वास है। आपने राखी भी भेजी और भी जगह, कहाँ कहाँ भेजी? भेजी है मोदी जी, योगी जी, इन सबको भेजी है, बिल्कुल भेजी है और मन से भेजी है, और मुझे विश्वास है वो स्वीकार भी करेंगे। क्योंकि बहन को आप क्या वचन देने आए? बहन को भारतीय नागरिकता का भी वचन देने आए? भारतीय नागरिकता का वचन बहुत छोटा है, बहन के लिए तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, चाहता हूँ और भी कुछ दूँ तुझे आए मेरी प्यारी बहन सीमा, सब कुछ दूँ जीवन में, उसको खुशियों से घर भरा रहे, उसके घर संपन्नता रहे, सुखी रहे, ये रहे जीवन में, ये राखी, ये कच्चा धागा, ये हमें याद दिलाता है साल भर के लिए त्योहार, याद दिलाता है कि बहन के सारे दुख भाई के दुख हो जाते हैं और भाई के सारे सुख हम अपनी बहन को पूरे आशीर्वाद के साल भर या आजीवन? नहीं, साल भर तो मनाया जाता है, इसलिए होता आजीवन के लिए है, आजीवन होता है, लेकिन इसे साल भर रिपीट करते रहते हैं जिससे भूल न जाएं, रिन्यूअल करते रहते हैं, याद बनी रहे। जैसे साल में आप घटनाओं का जिक्र करते हैं, आप तो बहुत बड़े चैनल के, तो घटनाओं को करते हैं, ऐसे ही रक्षाबंधन पवित्र त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है, और इस देश के असामाजिक तत्वों को भी संदेश देना चाहता हूं कि भाई बहन के त्योहार से सीख लें, और ये सीख ऐसी है कि हमारे देश को एक नई प्रगति की ओर ले जाती है और नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। सीमा, आज भाई भी मिल गया है, रक्षाबंधन भी मना लिया है, आप पाकिस्तान से भारत भी आ गई है, यहाँ रह रही है, आज पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के दिन मैं यही मैसेज दूंगी, क्योंकि रक्षाबंधन का दिन है, पाकिस्तानियों को कहूंगी तुम भी एक भाई बहन का त्यौहार बना लो, भाई दो ईद नहीं भाइया बहन का भी होना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि रक्षाबंधन बहुत प्यार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, मैं बहुत खुश हूँ। सीमा, एक सवाल और, दो तीन खबरें चल रही है मीडिया में और तमाम लोग इस तरीके के मैसेजेस भी सर्कुलेट कर रहे हैं जिसपे कहा जा रहा है, एक तो सीमा पे मूवी बन रही, दूसरा सीमा बिग बॉस जा रही है, ऐसी कुछ खबरें हैं, आपके संज्ञान में है ऐसा कुछ? सर, आज रक्षाबंधन के दिन आप कौन सी बातें पूछ रहे हैं? बिग बॉस से ऑफर नहीं आई है, इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं रहे, और फिल्मों का मुझे कुछ पता ही नहीं है, वो वकील साहब हैं आप इनसे पूछ लें। ये अगर इस तरीके की मूवीज बन रही, जिस तरीके से अमित जानी लगातार हम लोग देख रहे हैं, पोस्टर रिलीज हो रहे हैं, गाने रिलीज हो रहे हैं, टीजर हो रहा है, ट्रेलर हो रहा है, और उसके बाद अब बिग बॉस की बात आ रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? अभी उस पर बाद में विचार करेंगे, सीमा से बात करके विचार करेंगे, जैसा भी होता है, अभी जैसा जो भी होगा हम आगे प्रोसेस करेंगे, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ हैं,
आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, सनातन धर्म का त्यौहार है, रीति रिवाज पद्धति का त्यौहार है, हमारे यहाँ बहन को सुख देने का त्यौहार है, बहन के दुख लेने का त्यौहार है, और इस त्यौहार को हम पूरी शिद्दत समर्थता के साथ मनाने आए हैं। आप देने की बात कर रहे हैं, परिवार की माली स्थिति लगातार इस तरीके की खबरें सामने आती है, रिक्वेस्ट की जाती है मीणा परिवार की तरफ से, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, परिवार की तरफ से अकाउंट दिया गया है, सचिन का अकाउंट है, वो सबको मिल रहा है, लोग पूरे देश से गुवाहाटी से चौपाटी कन्याकुमारी से कश्मीर तक सहयोग कर रहे हैं, और सहयोग है, वो प्यार है, वो दुलार है, दूर से आ नहीं पाते, मुंह दिखाई नहीं कर पाते, लेकिन वो संपन्नता प्यार के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, और आज इन बच्चों को एक तो माँ ये थी ही, और मामा में डबल माँ हो जाती है, तो डबल मामा हो, मामा में डबल मामा हो जाते हैं, डबल माँ हो जाती है, मैं उस कर्तव्य को भी पूरे जीवन से दस्य निभाऊंगा। एक आखिरी सवाल, आज रक्षाबंधन है लेकिन आगे कानूनी रूप से आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? कानूनी तैयारी सब है, कानूनी तैयारी आपसे चर्चा करेंगे जब भी कोर्ट में जो भी होगा। हम बहन है मेरी, तो बहन के लिए तन मन धन और वचन, पूरा वचन यह है कि इसके दुख, मैं एक ही बात में सारी बात कहना चाहूंगा, इसके दुख जो भी दुख होगा, शारीरिक दुख होगा, मानसिक दुख होगा, कानूनी दुख होगा, आर्थिक दुख होगा, पारिवारिक दुख होगा, दो राष्ट्रों के बीच दुख होगा, कोई इसके बारे में कहेगा बोलेगा, वो सारे दुख हमारे और हमारे सुख सारे इसके, बस उसके बदले में यही हमें मांगती है अपने प्रभु से, ईश्वर से पूजा करते समय, मेरे भाई सलामत रहें, भाई सुखी रहें, भाई। आज रक्षाबंधन भाई के लिए क्या मांगा है, एक आखिरी सवाल? अपने भैया की लंबी जिंदगी, खुशियाँ और स्वास्थ्य ठीक रहे, मैं तो हमेशा मांगती आ रही हूँ और आज भी मांग रही हूँ, भगवान इनको लंबी जिंदगी दे, हर मुश्किल से लड़ने की ताकत शक्ति दे, इनमें बहुत ताकत है, बहुत अच्छे वकील हैं हमारे, आगे भी लड़ते रहें, यही प्रार्थना है मेरी भगवान से, और लंबी इनके लिए, इनकी हमारी माता शरी के लिए, सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे।